हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी सुबह का टाइम है, मैं पूजा कर रही हूँ। तो आज मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ कमेंट करिएगा। तो आप लोग नवरात्रि में कहाँ घूमने जाते हैं ये भी बताइएगा। वैसे तो हम लोग अभी कहीं नहीं गए, लेकिन सोचा है कहीं ना कहीं ज़रूर जाएंगे घूमने के लिए। वैसे पतिदेव को अभी टाइम भी नहीं है कि हमको घुमाएं। तो फिलहाल मैं माता जी को सिंदूर चढ़ा रही हूँ, उसके बाद चढ़ाने के बाद खुद को लगाऊंगी। वैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि नवरात्रि में हम लोग पीला सिंदूर नहीं लगाते हैं, मतलब खुद के मांग में नहीं लगाते, माता जी को लगा के लगाना रहता है। उसके बाद मैंने पानी पिया, बहुत ज़ोरों से प्यास लग गई थी। तो गाइज, मैंने ऐसा अनुभव किया है कि जब भी आप फास्ट रहते हो, माता रानी ना जाने कहाँ से इतनी शक्ति दे देती हैं। वैसे आप 1 मिनट भूख बर्दाश्त नहीं होता मेरे से, और मैं अगर मैं व्रत रहती हूँ, फास्ट रहती हूँ, तो मेरे से भूख बहुत जल्दी मतलब लगती ही नहीं मुझे। उसके बाद मैं सेब खाया और मुझे बहुत सारे काम करने हैं। फिलहाल आज तो दोपहर का ब्लॉग आपको देखने को नहीं मिलेगा, सीधे आपको शाम को मिलेगा। फिलहाल अभी शाम हो चुकी है, मैं चली आई मंदिर और मैंने मंदिर आके दर्शन किए, माता रानी को दिया वगैरह जलाया और बहुत देर तक मैं मंदिर में बैठी भी रही। उसके बाद पतिदेव आ गए, उनके साथ मैं चली आई रूम पे, और फिलहाल मैं कपड़े वगैरह चेंज करके किचन में आ गई। तो मुझे खाना वगैरह भी बनाना है, और पतिदेव लाए थे ब्रेड, उनको सैंडविच खाना था। तो फिलहाल चलिए सैंडविच सुबह हम बनाएंगे, वैसे रख देते हैं इसको वैसे ही। और भी हम बनाएंगे पनीर की सब्जी, रोटी, चावल। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं खाना बनाना, क्योंकि पता है हमें ऐसा लगता है जब भी मैं मंदिर से आती हूँ, पता नहीं कुछ जैसा लगता है मेरा एनर्जी लॉस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इधर जाते टाइम बहुत एनर्जी रहती है, लेकिन मंदिर में जाने के बाद, उधर से आने के बाद लगता है पैर वैर दर्द होने लगते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी मंदिर दूर है माता जी का, इस वजह से। तो फिलहाल अभी जल्दी जल्दी काम करते हैं, काफ़ी लेट भी हो चुका है। मंदिर से आते आते मुझे 7:30 8 बज जाता है। तो फिलहाल चलिए फटाफट खाना बनाते हैं, और पतिदेव को पहले चाय पिला लेते हैं, उसके बाद ही हम सब कुछ बनाएंगे। क्योंकि अच्छा नहीं लगता मैं कहीं खाना बना रही हूँ, वो बेचारे पानी और जल के बिना परेशान रहते हैं। तो मैं सोचती हूँ पहले उनको दे देती हूँ, उसके बाद मैं सारे काम करूँगी। तो चलिए चाय वगैरह साथ में पीते हैं, उसके बाद खाना पीना बनाएंगे। वैसे आप सब लोग को हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करिएगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। तो चलिए फिलहाल खाना बना लेते हैं, और मैंने सब्जी बना लिया है और रोटी सेक रही हूँ मैं, और आप मेरी मस्ती देख सकते हैं। पता है मेरी कमर बहुत दर्द हो रही थी आज, क्योंकि मैं मतलब मेरा वेट मुझे लगता है बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। जब भी मेरा वेट बढ़ता है तो मुझे लगता है हाथ पैरों मेरे दर्द होने स्टार्ट हो जाते हैं, और मैं चल के आई हूँ मंदिर से तो और भी दर्द हो रहे हैं मेरे। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ बता के जाइए कि आप नवरात्रि में क्या कर रहे हैं, कैसे नवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर मिलते हैं, जय माता दी।